पिछले वर्ष मारुका ने बहुत ही किसानों को बहुत आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि किसान जब दिन रात ऐसी कड़कड़ाती जो धूप है उसमें खेत में काम करता है और अपनी फसल को देखकर खुश होता है, और उसको देखकर बहुत सारे अपने सपनों को सच करने के बारे में सोचता है, लेकिन जब भी उन्हीं सपनों को अपनी आंखों के सामने मारुका जब ख़त्म करने पर तुली होती है तो वो किसानों के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमने पिछले वर्ष बहुत 3-4 ट्रायल किए थे और उनका रिजल्ट हमको हमारे फील्ड पर बहुत अच्छा मिला था, तो उसके बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं। जो ट्रायल किए थे बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें जो थ्योरिकली सही हो लेकिन प्रैक्टिकली बहुत अलग हो सकती हैं, तो वैसे ही हमने हमारे फील्ड पर जो प्रैक्टिकल किए थे वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बाज़ार में ऐसे कीटनाशक जैसे थायोडिकार्ब लेबल क्लेम होता है मारुका के लिए, लेकिन वो आपको बैन होने के कारण आसानी से उपलब्ध नहीं होगा, और किसी भी टच पॉइजन के द्वारा मारुका जब तक फूल से बाहर नहीं निकलेगी हम उसको मार नहीं सकते। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने जो डोज बनाया वो इस प्रकार है। हमने पिछले वर्ष हमारे फील्ड पर सबसे पहले बायगो 80 ml प्रति एकड़, उसके साथ में 80 से 100 ml इमामेक्टिन, फिर साथ में 100 ml पर एकड़ के हिसाब से डेसिस जिसमें डेल्टा मेथ्रिन आता है, फिर साथ में हमने UPL का लांसर गोल्ड लगभग 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लिया था, और दूसरे तीसरे फील्ड में बायगो के स्थान पर हमने एक में फेम लिया था, दूसरे में कोरेन का इस्तेमाल किया था, बाकी डेसिस और लांसर गोल्ड इमामेक्टिन सेम थी, और साथ में चिपको मिलाना ना भूलें। और हमने इसी डोज को लगभग 8 से 10 दिनों के अंतराल से हमारी मूंग की फसल में लगभग कहीं प्री फ्लावरिंग और कुछ फ्लावरिंग वाली स्टेज में हमने 2 बार 8 से 10 दिनों के अंतराल में स्प्रे किया था, तो हमको इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट मिला और हमारे फील्ड में किसी प्रकार का कोई भी नुकसान हमको नहीं मिला, यानी कि लगभग 100% रिजल्ट हमको मिला है। और ये जो अवस्था फूल से करे बनने वाली और करे से फलियां बनने वाली होती है, यही उत्पादन मूंग का बढ़ाने और घटाने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो कृपया इस समय लापरवाही ना बरतें। और कुछ किसान मित्रों के प्रश्न थे कि भाई साहब लांसर गोल्ड में जो एसीफेट और एमिडा आता है उससे शायद फूल करों पे नुकसान हो, लेकिन भैया मैंने मेरे फील्ड में जो प्रैक्टिकल किया है उसमें मैंने लांसर गोल्ड का उपयोग फूल और फल वाली स्टेज में 2 बार किया है और मुझे उसका मेरे फील्ड पर तो कोई नुकसान नज़र नहीं आया। अगर आपने भी कभी ट्राई किया हो और आपके नॉलेज में हो तो हमें बताना, क्योंकि मुझे मेरे फील्ड में कोई नुकसान नज़र नहीं आया, और मेरा जो पिछले वर्ष का रिकॉर्ड उत्पादन आया था, अगर नुकसान होता तो उतना अच्छा उत्पादन मैं भी हो सकता कि नहीं मानता कि इतना अच्छा उत्पादन होता, तो मुझे इसका कोई नुकसान नहीं दिखा। और जो भी आप इस्तेमाल करें अपने विवेक से करें, यानी कि सुनो सबकी करो मन की, अंत में जो आपका निर्णय होगा वही आप अपने फील्ड में ट्राई करें। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान मित्रों।